आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की भारी हार के बाद पार्टी ने कई नेताओं को खो दिया। उन नेताओं ने भाजपा की ताकत में इजाफा किया है। जी हां, इसमें सबसे बड़ा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका सिंधिया ने दिया। उन्होंने कांग्रेस के 22 विधायकों के साथ कांग्रेस से इस्तीफा दिया। इससे मध्य प्रदेश में कमलनाथ की भी सरकार गिर गई। तो वहीं हाल ही में जितिन प्रसाद ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के चुनावी अभियान का कमान संभालने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा ने बताया कि आखिर जितिन प्रसाद और ललितेश त्रिपाठी जैसे वरिष्ठ और युवा नेताओं को पार्टी में रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया गया। जी हाँ, हाल ही में मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में पिछले 2 सालों में पार्टी के कई प्रमुख नेताओं के भाजपा में जाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मैंने महसूस किया है कि उन्होंने राजनीतिक कारणों से नहीं बल्कि अपने व्यक्तिगत हित को देखते हुए पार्टी छोड़ने का मन बनाया। प्रियंका ने कहा कि मुझे लगा कि हम जिस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं वो बहुत कठिन है। उनमें से कुछ चुनाव हार गए, उनमें से कुछ ने अपना घर खो दिया जिसमें वे कई कई सालों से रह रहे थे। उनमें से कुछ वास्तविक मुद्दों का सामना कर रहे थे। तो वहीं बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश के पार्टी के प्रमुख नेता जितिन प्रसाद विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा में शामिल हो गए हैं और इससे ब्राह्मणों के बीच सत्तारूढ़ दल की अस्थिर स्थिति को मजबूत करने के तौर पर देखा गया था। सितंबर में प्रियंका गांधी के डिप्टी पूर्व विधायक ललितेश पति त्रिपाठी ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वह TMC में शामिल हो गए। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पति त्रिपाठी के प्रपौत्र ललितेश त्रिपाठी को पूर्व उत्तर प्रदेश में वाराणसी मिर्ज़ापुर बेल्ट में एक आगामी नेता के रूप में भी देखा गया था। अब तक के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।